नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता है कि धूम चल रही है त्योहारों की, और त्योहार में हमें सबसे ज़्यादा किसी की याद आती है तो वो है उबटन, क्योंकि उबटन हमें इंस्टेंटली चेहरे पर निखार देता है। चेहरे पर जो भी संटान आ रखा है, कालापन आ रखा है, उसे रिमूव करने के लिए उबटन हमेशा ही बहुत अच्छा माना जाता है। पर उबटन जो कि बनाने में इतना ज़्यादा झंझटफुल है, उसे कैसे इस्तेमाल करें वो भी एवरीडे में, जिससे हमारी त्वचा भी निखर जाए। तो उसी के लिए मैं आपको दो ऐसे प्रोडक्ट का सजेशन आज इस वीडियो में देने वाली हूँ जो कि आपकी नेचुरल तरीके से त्वचा को निखार देगी। उसी के साथ आज मैं आपको एक ऐसा मेकअप लुक दिखाने वाली हूँ जो कि इस समय आप देख ही सकते हैं। इस मेकअप लुक को ना चाहे शादी हो, पार्टी हो, कोई त्यौहार हो, हर जगह आप लगा सकते हैं। ये एक क्लासिक ट्रेडिशनल लुक है जो हमें करने के लिए आना चाहिए, जिसकी मदद से हम हमेशा ही बहुत ही सुंदर दिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखा दूँ। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं जिस उबटन रेंज को इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो है मामा अर्थ का। मामा अर्थ के इस उबटन रेंज में सबसे पहले है फोमिंग फेस वॉश और सेकंड है फेस सीरम। इन दोनों ही प्रोडक्ट में ट्रेडिशनल गुडनेस ऑफ टर्मरिक एंड सैफरिन है, जिसकी मदद से टैन रिमूव होता है। टर्मरिक की हीलिंग प्रॉपर्टीज और स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज सैफरिन की हमारी त्वचा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पर जो मैं उबटन फोमिंग फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका जो फोम है वो जेंटली त्वचा को क्लेंस करता है, एक्सफोलिएट करता है, रिमूव करता है टैन को और सूद करता है इरिटेशन जो भी हमें फ्री रेडिकल से होता है। के रेगुलर यूज से ब्राइटन होती है स्किन टोन, प्रमोट करता है ये क्लियर स्किन, जेंटल एक्सफोलिएट करने के अलावा ये सुटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए। और मामा अर्थ का उबटन फेस सीरम इजीली एब्जॉर्ब होता है त्वचा में, ये एक्सट्रीमली लाइटवेट एंड नॉन ग्रीसी है और सुपर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है 24 आवर्स के लिए। इसके रेगुलर एप्लीकेशन से त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है, रिटेन करता है मॉइस्चर बैलेंस, रिपेयर करता है सन डैमेज, ब्राइट करता है त्वचा को एंड सुटेबल फॉर ऑयल स्किन टाइप है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सारे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स है और नेचुरल है। अगर आप ब्यूटीफुल 2021 कोड यूज करते हैं मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पर परचेस करने के लिए प्रोडक्ट्स, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और हाँ, ये सारे प्रोडक्ट्स मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा अमेजोन, नाइका एंड पर्पल पर भी अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात, इनका इनिशिएटिव, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम they will link your order on the website to a tree that they plant. Exact geolocation, picture and the species of the tree will be sent to you. And हाँ, plastic positive है और एक Indian brand है, तो हमारा support vocal for local बनता है। और हाँ, अब इनका ऐप भी आ चुका है। मामा अर्थ के ऐप की डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मामा अर्थ के इस ऐप पर आपको अर्ली एक्सेस ऑफ सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे आपके शॉपिंग पर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वेबसाइट की परचेस लिंक, मामा अर्थ के ऐप की लिंक और हाँ, मेरा डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल जाएगा, तो चेक जरूर करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्किन के रूटीन होने के बाद यहाँ पर स्टिल मैं अपने चेहरे पर थोड़ा सा स्प्रे करूँगी टोनर, जिसकी मदद से मेकअप मेरा काफ़ी लंबे समय तक चेहरे पर टिका रहता है और मॉइस्चराइज लगता है। और जब तक टोनर को सूखने में, एब्जॉर्ब होने में थोड़ा समय लगेगा, मैंने यहाँ पर परफ्यूम लगा लिया है, क्योंकि अक्सर मैं परफ्यूम लगाना बाद में भूल जाती हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पर जैसे ही टोनर एब्जॉर्ब हो जाता है, मैंने अपने चेहरे पर खूब सारा मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, जिसकी मदद से मैं अपने मेकअप को फ्लॉलेस और एक ड्यूई लुक दे पाऊँगी। यहाँ पर मैंने वेट स्पॉन्ज के ऊपर फाउंडेशन ले लिया है और उसी की मदद से डैप करते करते इस फाउंडेशन को अपने चेहरे पर अच्छे से मैं लगा रही हूँ। फाउंडेशन काफ़ी हाई कवरेज वाला है, जो कि वेट स्पॉन्ज की मदद से काफ़ी ईजीली और अच्छे से लग जा रहा है। आंखों के नीचे के डार्कनेस को और डार्क सर्कल को छुपाने के लिए यहाँ पर मैं कंसीलर लगा रही हूँ, जो कि एक लिक्विड और हाई कवरेज देने वाला कंसीलर है। इसकी मदद से मेकअप मेरा और फ्लॉलेस हो जाता है, जिस पर कोई भी डार्क धब्बे मेरे चेहरे पर जो है वो नहीं दिखते। अब इस फाउंडेशन और कंसीलर को अच्छे से सेट करने के लिए, यानी कोई भी फाउंडेशन कंसीलर मेरी क्रीज लाइन में ना फंसे, इसलिए मैं कॉम्पैक्ट को अच्छे से वहाँ पर लगा ले रही हूँ ब्रश की मदद से। मेनली जहाँ पर मुझे ऑयल भी आता है चेहरे पर, वहाँ पर वो ऑयल ना आए अगले 6-7 घंटे तक, इसलिए मैं कॉम्पैक्ट को और अच्छे से लगा रही हूँ।
और हाँ, नेक एरिया को बिल्कुल नहीं भूलना है, जब भी मेकअप लगाए नेक एरिया भी कवर करें। यहाँ पर मैंने आपको एक आईब्रो भर के दिखाई है और एक नहीं भरी है, आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। इसलिए आईब्रो को भरना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई मेकअप मेरा बहुत सिंपल होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक न्यूड पिंक सा कलर लिया है जो कि शिमरी शेड है, और इसे बस मैंने अपने आँखों के आईलिड पर अच्छे से स्प्रेड करके लगा लिया है, और क्रीज लाइन में ये जो डार्कर शेड है इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है विथ हेल्प ऑफ दिस ब्लेंडिंग ब्रश। आई लाइनर को लगाने के लिए मैंने पेन स्टाइल आई लाइनर लिया है, जिसकी मदद से आसानी से मैंने आई लाइनर लगा लिया है, और आँखों में व्हाइट कलर का काजल लगा लिया है जिसने मेरे आंखों को काफी ब्राइट लुक भी प्रोवाइड कर दिया है। और आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मैं मस्कारा लगा रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ब्रॉन्ज लिया है, जो कि साड़ी के साथ अगर ब्रॉन्जर का इस्तेमाल करो तो एक स्क्रप्टेड मेकअप लुक आता है। यहाँ पर मेरा जो चीक बोन्स के एंड वाला एरिया है और थोड़ा सा कॉर्नर जो है फॉरहेड का, वहाँ पर इस ब्रॉन्जर को मैं अच्छे से ब्लेंड करते हुए लगा रही हूँ, जिससे चेहरे पर एक स्लिम लुक आता है। और हाँ, मैंने ब्लश को भी लगाया है, तो ब्लश को लगाने के बाद यहाँ पर हाइलाइटर शेड को भी मैंने चिक बोन, नोज ब्रीज एंड फोरहेड एरिया पर लगा लिया है, जिससे चेहरे पर एक अलग ही चमक आती है और काफ़ी डिफाइंड लुक आता है। सबसे लास्ट में इस मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने ब्राइट रेड शेड लिया है लिप्स के लिए, जो कि कंप्लीट करता है इस मेकअप लुक को। इस ये आई मेकअप के साथ ये रेड कलर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। सो आप कभी भी अगर कंफ्यूज हो मेकअप को लेकर, तो ये वाला मेकअप लुक कर लीजिए, हर एक आउटफिट के साथ और ओकेशन के साथ परफेक्टली मैच करता है। और सबसे लास्ट में मैंने मेकअप फिक्सिंग स्प्रे को अपने चेहरे पर स्प्रे कर लिया है, जिससे मेरा जो ये फुल मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए। और देखिए यहाँ पर चूड़ी, नेकलेस, गजरा, हर एक चीज़ पहनकर मैं रेडी हो चुकी हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं अपने ब्यूटी शॉट्स आपको दे दूँ। सो आई रियली होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर रहा है तो मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल के लिए भी। और हाँ, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो मेक श्योर करिए कि आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उसकी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।